मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी हमने देखना है फाइव डिजिट नंबर। अभी तक क्या हमने क्या देखा? फोर डिजिट नंबर देखा है। जिन जिन के पास बुक्स हैं उन्होंने बुक्स निकाल के ये वीडियो देखना है ताकि तुम लोगों को समझ में आए। हमें क्या देखना है? फाइव डिजिट नंबर। फाइव डिजिट नंबर फिर कैसे पढ़ते हैं ये देखो। ये क्या है? थाउजेंड पीरियड। ये क्या है? थाउजेंड पीरियड। और दूसरा क्या है? वंस पीरियड। वंस पीरियड में क्या आता है? वंस, टेंथ एंड हंड्रेड। वंस, टेंथ एंड हंड्रेड। एंड थाउजेंड पीरियड में क्या आता है? थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड। ये दोनों के बीच लाइन है। इसका मतलब ये दोनों का डिवाइडेशन कैसे होता है? एक्सपांड फॉर्म कैसा होता है? कॉमा आता है बीच में। थाउजेंड पीरियड और वंस पीरियड में कॉमा आता है। और ये रीडिंग कैसे करते हैं फिर? 13,247। कैसे किया हम लोगों ने देखो। टेंथ इसके हम क्या देखेंगे? अभी स्टेप देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप में ये इसको कैसे कैसे पढ़ा जाता है। फर्स्ट स्टेप देखो, हाउ मेनी थाउजेंड। फर्स्ट स्टेप क्या है? हाउ मेनी थाउजेंड। कितने थाउजेंड है? 13,000। कितने हो गए? 13,000। ठीक है, उसमें उसके बाद में क्या देना है? हाउ मेनी हंड्रेड्स। हंड्रेड कितने हैं देखो? हाउ मेनी हंड्रेड? 200। ठीक है, थाउजेंड, 13,000, हाउ मेनी हंड्रेड? 200। एंड देन लास्ट में देखो क्या देखना है? रीड द डिजिट इन टेंस एंड वंस टुगेदर। दोनों को साथ में पढ़ना है। टेंस एंड वंस टुगेदर कितना है? 47। तो इसका रीड करके देखो कैसा होगा? 13,000, 13,000, 200, 200, 47, 47। समझ में आया? 13,247। अगर यहाँ पे जीरो होता है तो क्या करोगे? मान लो यहाँ पे जीरो होता है तो क्या करोगे? 13,047 ऐसे पढ़ना नहीं है, क्योंकि डू नॉट रीड जीरो हंड्रेड्स। जीरो को हंड्रेड में या किसी भी नंबर में नहीं, मतलब रीड नहीं किया जाता। डू नॉट रीड जीरो हंड्रेड। तो क्या करेंगे? 30,047। अगर यहाँ पे जीरो होता है तो 30,047 ऐसे लिखना है, नॉट अ जीरो हंड्रेड लिखना है। समझ में आया?